हाँ हारे या जीते लेकिन हम तुमको दिलवाएंगे, लेकिन अभी तक तो हमको मिल नहीं रहा भैया। उसके बाद हारने के बाद गए दो बार। हाँ हारने के बाद भी दो बार गए थे लेकिन कुछ नहीं, कुछ सुनवाई नहीं हो रहा है। तो फोन वन करते हैं तो फोन नहीं उठाता है। तो वार्ता हुई थी कि जेरा मतो हमेशा आंदोलन में कहते हैं कि करोड़ों का मुआवजा दिला दिए जिसमें से आपका भी नाम ऐड होता है। हाँ लेकिन अभी तक तो हमको मिला नहीं है। अभी क्या अकेले मतलब भटक रहे हैं? अकेले भटक रहे हैं, कोई साथ है नहीं भैया। बोला था कि वार्ता होने के बाद अगर नहीं देंगे तो इसका एक एक भट्टा एक एक ईटा खोल के लेके चल जाएंगे। कौन बोले थे? जेरा मातो। लेकिन अभी तक तो हम 7-8 महीना बीत चुका है, खाली हमको आश्वासन मिल रहा है। नमस्कार जोहार, आज हमारे साथ भजन मंडल जी हैं। आज एक बड़ी खुलासा लेकर आपके पास आया हूँ। पंचायत डेम के करीब हूँ और भजन मंडल है इनके पिताजी का, बापी मंडल है इनका। काम करते वक्त एक कंपनी में भट्टे में काम करते वक्त मौत हो जाती है। उसके बाद कई नेतागण आते हैं और जयराम महतो भी आते हैं और मुआवजा को लेकर इनके परिवार को 7.5 लाख रुपए की वार्ता होती है। हाथ में पेपर भी है और लेके आए हैं, जानने का प्रयास करेंगे कि क्या हुआ मामला, अभी तक पैसे नहीं मिली है। जोहार। मैं भजन मंडल, मेरा पिताजी बापी मंडल पर्दी फाटकों में काम करते थे। 27 नवंबर को घटना हुआ था। हम लोग 28 नवंबर को क्या हुआ था सारा चीज बताइए। 27 नवंबर को रात करीब 6 बजे के टाइम मेरे पिताजी का एक भट्टा से दूसरा भट्टा जाने क्रम में एक्सीडेंट हो गया था, जिसके कारण देहांत हो गया था। फिर क्या हुआ? फिर हम लोग ये किए थे मुआवजा के लिए बैठे हुए थे, धरना प्रदर्शन किए थे। जेरा मातो भी उसमें आया हुआ था, धरनीधर मंडल भी आया हुआ था। तो जेरा मातो द्वारा 7,75,000 वार्ता किया गया था। तो नकद राशि 1,75,000 मिला था, बाकी 6 लाख आज 7-8 महीना बीत चुका है, अभी तक हमको नहीं मिल रहा है। जेरा मातो से करीब हम 2 बार भेंट कर चुके हैं, खाली आश्वासन तो दे रहे हैं लेकिन क्या कहते हैं जेरा मातो? जेरा मातो बोलते हैं कि आज करेंगे कल करेंगे, बात करते हैं, लेकिन अभी तक मेरा काम तो सफलता नहीं हुआ है। हम यहाँ वहाँ जा के थक चुके हैं। पेपर दिखाइए थोड़ा। पेपर में वार्ता जो किया हुआ था यही वार्ता हुआ, मतलब समझौता नामा है ना? हाँ समझौता नामा है। ये 29/11/2023 का मामला है ना? हाँ 29/11 उस दिन वार्ता हुई थी। हाँ उसी दिन वार्ता घटना हुई थी 26/11/2023। हाँ 26/11/2023 को, जिसमें से प्रबंधक में कौन है ये? गोविंद अग्रवाल। हाँ और इधर गवाह में कौन कौन है? गवाह में है धरनीधर मंडल, जेवीकेएसएस केंद्रीय अध्यक्ष जेरा मातो, कुछ मातो केंद्रीय सदस्य मोर्चा के अध्यक्ष है। और भी लोग हैं। हाँ तो ये लोग वार्ता किए थे, जेरा मातो आए थे? हाँ आए थे। और क्या कह के गए थे? वार्ता यही किया गया था, बोला था कि वार्ता होने के बाद अगर नहीं देंगे तो इसका एक एक भट्टा एक एक ईटा खोल के लेके चल जाएंगे। कौन बोले थे? जेरा मातो। लेकिन अभी तक तो हम 7-8 महीना बीत चुका है, खाली हमको आश्वासन मिल रहा है, ना तो मेरा काम हो रहा है, पैसा आज तक तो मतलब एक बार थाना में भी बैठे थे, थाना में मालिक एक आप थाना भी गए थे? हाँ थाना भी गए थे, थाना एसपी बोलिए डीसी बोलिए सब जगह से हार चुके हैं। क्या जाके वहाँ जाके बताए आप? बताए थे, आवेदन भी दिए थे। हाँ समझौता नामा दिखाए। क्या बोले वहाँ थाना में? थाना में बोल रहा है कि इसमें मेरा क्या है, हम कुछ नहीं कर सकते हैं। और डीसी जी क्या? डीसी जी तो लेटर पेड को भेजा था उसके द्वारा, लेकिन लेटर पैड से भी कुछ हुआ नहीं है। क्या कह रहे हैं जयराम और ये कुछ मातो जो लोग हैं? जयराम मातो खाली टाइम और टाइम ले रहे हैं, लेकिन मेरा काम तो अभी तक हुआ नहीं है। मिले थे उनसे? उनसे मिले थे हम 2 बार अभी। कितने दिन हो गया? अभी फिलहाल 2 महीना हो गया है। 2 महीना उससे और 2 बार है, और एक बार कब मिले? 2 महीना नहीं हुआ, 1 महीना हुआ है। और उससे पहले 1 महीना पहले मिले थे, एक महीना पहले मिले थे। तो बोला था कि मालिक बोला था कि उससे भेंट करेंगे, उसके बाद फिर गए तो बोला कि इसको देखते हैं, फोन लगाकर फोन उठाता तो ठीक है। कुछ मातो से नहीं मिला? कुछ मातो से भी मिले। कुछ मातो बोल रहा है कि हम लोग को लेटर पेड में लिख के देने के लिए। एकला कंसारी भी बोल रहा है कि तुम सुड़ी समाज के पेड़ से लिखाइए, उसके बाद हम लिख के देंगे। लेकिन सुड़ी समाज इसमें था ही नहीं, समाज से लिखने बोल रहा है। हाँ समाज से लिखने बोल रहा है। लेकिन तो वार्ता हुई थी कि जेरा मातो हमेशा आंदोलन में कहते हैं कि करोड़ों का मुआवजा दिला दिए जिसमें से आपका भी नाम ऐड होता है। हाँ लेकिन अभी तक तो हमको मिला नहीं है। अभी क्या अकेले मतलब भटक रहे हैं? अकेले भटक रहे हैं, कोई साथ है नहीं भैया। उस टाइम क्या लग रहा था, किस तरह का माहौल था जब वहाँ पर? जब माहौल था तब तो पूरा मिलना चाहिए था, लेकिन जब दादा का ये हो गया, बात हो गया कि 1,75,000 अभी दे रहा है, 31 दिसंबर को 3 लाख दे देगा,
और 31 जनवरी के 31 दिसंबर 2023 को ही तीन लाख और 31 जनवरी को देना था, मतलब और तीन लाख। हाँ मतलब कि 31 दिसंबर 2023 को 3 लाख और देता और 31 जनवरी 2024 को फिर 3 लाख देता, 6 लाख और पहले 1,75,000 दे चुका था यानी 7,75,000। लेकिन अभी तक 1,75,000 जब उनकी आपके पिताजी का लाश उठाया जा रहा था वहां से बॉडी उठाया जा रहा था तब 1,75,000 नगद भुगतान किया गया था। उसके बाद बिल्कुल 6 लाख अभी तक नहीं मिला है। उसके लिए भजन मंडल जो बापी मंडल जो जिनकी मृत्यु हो गई देहांत हो गया उनके बेटे दर दर भटक रहे हैं, कभी थाना जाते हैं तो कभी जिला के कार्यालय डीसी के पास जाते हैं और जयराम महतो पास भी जाते हैं, कुछ महतो के पास जाते हैं लेकिन कोई सुनवाई नहीं हो रही है। कभी लेटर इनको एप्लीकेशन समाज के द्वारा मांगा जाता है जेबीकेएसएस की और ऊपर से जयराम महतो भी कह देते हैं कि अभी रुको बात करेंगे समय नहीं है, इस तरह की बातें हो रही है। तो अच्छा ये मैं आपको दबाव देकर ये वीडियो बना रहा। नहीं नहीं हम अपने मन से बना रहे हैं। आपने हमको संपर्क किया कि हम आपको संपर्क? नहीं हमने संपर्क किया था। कैसे संपर्क किया? संपर्क किए थे मेरा मामा से, मेरा मामा आपका नंबर दिया था और उसी से आपका फोन लगाए थे, ऐसा ऐसा मेरा भाई दर्द है, मिल नहीं रहा, भटक रहा इधर उधर, कोई साथ देने वाला है नहीं, तो आपको याद किए। आप ही का कोई हमको दो चार आदमी बोला कि उसे देव महतो से आप कांटेक्ट करिए, थोड़ा आपको हेल्प कर देगा तो अच्छा रहेगा। अच्छा ये बताइए आप क्या चाहते हैं? चाहते हैं ही है कि मेरा मुआवजा दिलाने का प्रयास करें। मुआवजा चाहते हैं? हाँ इधर उधर तो भटक चुके हैं, कोई सुनने वाला है नहीं भैया। सुनिए जयराम महतो जी, आप लोकसभा चुनाव लड़े और विधानसभा चुनाव सामने आ रहा है, जनता का अपार समर्थन मिल रहा है, क्यों? क्योंकि आप कहते हैं कि जल जंगल जमीन आदि गरीब शोषित पीड़ित और कंपनियों में धरना प्रदर्शन मुआवजा की बात करते हैं, करोड़ों की बात करते हैं कि हम मुआवजा दिलाएं, लेकिन मीडिया बैठ दे के चले जाते हैं, आप वार्ता देख करके चले जाते हैं, लेकिन उस परिवार को क्या मुआवजा मिलती है? देखिए पेपर लेके दर दर भटक रहा है। वो बोलना यही चाह रहे थे कि हम चुनाव के टाइम जो मतलब 31 जनवरी जब पार हो गया तब हम दादा से कॉन्टेक्ट किए थे, तो मेरा भैया गया था एगो तो गिरिडीह में उससे मुलाकात हुआ था, बोला था कि हम हारेंगे या जीतेंगे लेकिन तुमको हम दिलवाएंगे। जयराम महतो? हाँ जयराम महतो द्वारा बोला गया था कि हाँ हारे या जीते लेकिन हम तुमको दिलवाएंगे, लेकिन अभी तक तो हमको मिल नहीं रहा भैया। उसके बाद हारने के बाद गए दोबारा? हाँ हारने के बाद भी दो बार गए थे लेकिन कुछ नहीं, कुछ सुनवाई नहीं हो रहा है। तो आज फोन वन करते हैं तो फोन नहीं उठाता है जयराम महतो। हाँ फोन किए थे लेकिन फोन नहीं उठाता है। देख सकते हैं कि पीड़ित परिवार है, जय बार जाते हैं 1,000-2,000 का खर्चा है भाई, कहाँ से जाएंगे? परिवार कैसे चलता है? घर परिवार बस यही वहाँ दिन कटाते हैं, क्या करेंगे। पढ़ाई लिखाई कितना तक किए? पढ़ाई लिखाई भी छूट गया, इंटर तक कंप्लीट किए थे पापा क्या पहले, अभी कुछ नहीं करते हैं घर में बैठे हैं। काम कहीं? नहीं नहीं काम घर परिवार यहाँ राशन पानी राशन वोशन यहाँ वहाँ मेहमान यहाँ के घर से दिन काट रहे हैं, क्या करेंगे। तो आप देख सकते हैं जयराम महतो जी ना फोन उठाते हैं ना इस परिवार को, जिस तरह से मीडिया में अपना वाहवाही बटोरा कि हमने इतना मुआवजा दिलाया, ना मुआवजा दिला पाए हैं ना इस परिवार को अभी देखरेख के लिए कुछ ध्यान दे रहे हैं। अभी इस परिवार दर दर अपना ये समझौता नामा जो जयराम महतो साइन किए हैं, कुश महतो साइन किए हैं, वो समझौता नामा लेकर कभी थाना के पास जाते हैं तो कभी डीसी के पास जा रहे हैं और जयराम महतो पास भी जा रहे हैं लेकिन कोई सुनवाई नहीं है। जिस तरह से जयराम महतो कहते हैं कि हम मुआवजा दिलाते हैं और इतने दिलाए हैं तो कागजी तौर पे नहीं होना चाहिए, जमीन में भी उतरना है, सिर्फ कागज में एक सादा पेपर में हुआ है उसके बाद और कुछ नहीं हुआ है। और यहाँ के एकलाक अंसारी से भी नहीं मिले क्या? एकलाक अंसारी से करीब बहुत बार मिल चुके हैं, एकलाक अंसारी को लेके के भी गए थे जयराम दादा के पास लेकिन कोई सुनवाई नहीं है। आजकल करके मेरा 7-8 महीना बीत चुका है, कोई कुछ अभी तक कुछ नहीं हुआ है। तो ये आप देख सकते हैं गरीब परिवार है और इन्होंने खुद हमको संपर्क करके यहाँ बुलाया और हम आए निरसा और इनसे आप लोगों को मुखातिब करवाएं कि किस तरह से जयराम महतो लोगों को बुड़बक बना रहे हैं कि हम इतना मुआवजा दिला रहे हैं लेकिन जमीनी हकीकत कुछ नहीं है। बस जो केस उसी टाइम मिलता है जब उनका बॉडी उठती है उसी टाइम जो कंपनी से मात्र 1,75,000 6 लाख अभी भी ड्यूज है, 6-7 महीना हो गया, 8वां महीना चल रहा है ना ये? 8वां महीना चल रहा है भैया। तो ये हम आपको सूचना देने के लिए आए थे, अगर जयराम महतो अगर आपके पास जमीन जिंदा अभी भी है तो इस परिवार को मुआवजा दिला दीजिए जो ये दर दर भटक रहे हैं, कभी जिला कार्यालय तो कभी प्रखंड कार्यालय का दौड़ लगा रहे हैं और खुद ये लोग आशा लगाए हुए हैं कि कब जयराम महतो आए और मुआवजा दिलाए।
बाकी आप कमेंट बॉक्स में आप प्रतिक्रिया झारखंड की जनता दें कि किस तरह से इस परिवार के साथ अन्याय हो रहा है। बाकी मिलते हैं इस तरह के और भी नए वीडियो में। जोहार।